नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में तीन स्टॉक्स के बारे में, जहां पे फर्टिलाइजर स्टॉक्स को लेके आज की डेट में एक बढ़िया खबर आते हुए देखने को मिल रही है, RCF, NFL और चंबल फर्टिलाइजर्स। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए, खबर आती हुई देखने को मिल रही है चीन की तरफ से। चीन ने अपनी फर्टिलाइजर कंपनियों को जो है एक क्लेरिफिकेशन दिया है या एक रोक लगाई है वहाँ से कि एक्सपोर्ट अब फर्टिलाइजर्स का नहीं कर सकते। चीन ने फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई है, इसके चलते इंडियन कंपनियों को जो है बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक आप देख सकते हैं RCF का है, NFL मैंने आपको दिखा दिया है, ये सारे स्टॉक जो है फोकस में बनते हुए देखने को मिले हैं आज की डेट में। नेक्स्ट है चंबल फर्टिलाइजर। बात करेंगे तीनों स्टॉक के डेली चार्ट की, अच्छी खासी तेज़ी आज के दिन स्टॉक ने बनाई है, इस खबर का इंपैक्ट है आने वाले दिनों में और इस स्टॉक पे इन स्टॉक्स पे आते हुए देखने को मिल सकता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं RCF की। आज के दिन में 4.25% की तेज़ी के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, ऊपरी स्तरों से हल्का सा गिरते हुए जरूर देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल जो है तेज़ी को कहीं ना कहीं मेंटेन भी स्टॉक करते हुए देखने को मिला है। 5 दिन में 5% चला है, 1 महीने में स्टॉक 1% डाउन दिखेगा, 6 महीने में 51% ऊपर है, ईयर टू डेट में 55% और 1 साल की अवधि में 80% से ज़्यादा की रिटर्न दे चुका है। तो देखिए, बात करें RCF के डेली चार्ट की, तो डेली चार्ट पर स्टॉक लगातार एक रेंज बाउंडेड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, 80 से लेकर 90 के बीच ही फंसा हुआ है। देखिए, ये जब तक 90 के लेवल को तोड़ के सस्टेन नहीं करेगा तब तक राउंड रेंज बाउंडेड ही चलते हुए देखने को मिलेगा। आज भी ऊपरी स्तरों से स्टॉक में दबाव आते हुए देखने को मिला है, ये एक बड़ी सी टेल आप देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीन ने जो एक्सपोर्ट पर रोक लगाई, इससे सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है RCF ही होगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो एक्सपोजर रहता है एक्सपोर्ट का इस जो फर्टिलाइज़र का, वो RCF के अंडर में आता है। उसके साथ ही गवर्नमेंट के डाइवेस्टमेंट का ये कैंडिडेट भी है, इसी के चलते ये खबरों के चलते ही स्टॉक में एकाएक जो तेज़ी आपने देखी थी मार्च के महीने में, ये इसी वजह से आई थी और स्टॉक जो 55 रुपये से लेकर लगातार 100 रुपये, यानी कितने दिन की बात बताऊँ, ये देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 ही दिनों में स्टॉक डबल होते हुए, करीब करीब डबल होते हुए देखने को मिला था। तो अच्छा स्टॉक है, जिन लोगों ने बाय कर रखा है होल्ड करिए, जो लोग बाय करना चाहते हैं इन स्तरों पर आराम से कर सकते हैं, लेकिन 90 का एक लेवल इंपॉर्टेंट है, वो ब्रेक करके सस्टेन करेगा तभी अच्छी खासी तेज़ी और बनेगी, अदरवाइज स्टॉक इसी तरह झूलते हुए और देखने को मिल सकता है। तो देखिए, अगले स्टॉक की बात करें, NFL यानी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, RCF के जैसा ही इसका चार्ट है, मॉर्निंग में अच्छी खासी तेज़ी बनने के बाद स्टॉक हल्का सा दबाव देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल जो है तेज़ी स्टॉक ने ठीक ही बनाई है। आज के दिन में 3.5-4% तक के गेंस दिखाए हैं, 5 दिन में 5% चला है, 1 महीने में 2.5% नीचे दिखेगा, 6 महीनों में 57% ऊपर है, ईयर टू डेट में 70 और 1 साल की अवधि में करीब 81% के रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है, और ये भी गवर्नमेंट की डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट की लिस्ट में है, जो कि गवर्नमेंट डाइवेस्ट करना आती है दोनों फर्टिलाइजर स्टॉक को, जो कि RCF और NFL, इन दोनों के नाम जो है गवर्नमेंट की सूची में शामिल है। इसी के चलते ये मार्च के महीने में तेजी आई थी, वो डाइवेस्टमेंट की खबरों के चलते ही आई थी। तो देखिए, ऊपरी स्तरों से ये स्टॉक भी काफ़ी आपको दबाव देखने जो है फिसलते हुए देखने को मिला है, 60 पे एक सपोर्ट लिया है, 60 पे नज़र रखिए, 60 के लेवल को स्टॉक सपोर्ट करता है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो और गिरावट आएगी, लेकिन मुझे लगता है ब्रेक इसको नहीं करेगा। आज की जो खबर आई उसके चलते तेज़ी बनी है, लेकिन ऊपरी स्तरों से फिर दबाव भी देखने को मिला है, ये टेल आप देख रहे हैं। देखिए, स्टॉक में मल्टीपल रेजिस्टेंस है, थोड़ी थोड़ी 2-2, 3-3 रुपये के ऊपर रेजिस्टेंस है, तो इसको आराम से होल्ड करिए। कम से कम डाइवेस्टमेंट का प्ले करना है तो आपको कम से कम 1 से 1.5 साल इसको होल्ड जरूर करना पड़ेगा। डाइवेस्ट अगर जो कि गवर्नमेंट चाहती है, डाइवेस्ट इसको इजीली अगर गवर्नमेंट प्लान के अनुसार कर पाती है, तो स्टॉक आपको आराम से ये स्टॉक 150 तक देखने को मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि डाइवेस्टमेंट इसका अच्छी प्रकार से हो जाए, तब जाके ये तेज़ी और स्टॉक बनाएगा। सो होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, आज के दिन अच्छी खासी तेज़ी बनते हुए देखने को मिली थी चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, एक दमदार कंपनी है, 320 का स्टॉक ने करीब आज हाई लगाया था, 306 पे क्लोजिंग दी, यानी 14 रुपये ऊपर इस तरह से फिसलते हुए देखने को मिला है, 2% की तेज़ी के साथ बंदी दी है, 5 दिन में 1% नीचे दिखेगा, 1 महीने में 2% चला है, 6 महीने में 30, ईयर टू डेट पर 34 और 1 साल की अवधि में स्टॉक जो आप देख सकते हैं 93% तक के रिटर्न दे चुका है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करूँ मंथली चार्ट की, तो मंथली चार्ट पे स्टॉक ओवरऑल अपने ऑल टाइम हाईज के पास ही चल रहा है, कहीं कोई स्टॉक के पास हर्डल नहीं है। और डेली चार्ट की अगर बात करेंगे, देखिए रेंज बाउंडेड ये भी स्टॉक आपको चलते हुए देखने को मिल रहा है, पिछले करीब डेढ़ महीने से स्टॉक रेंज बाउंडेड आप देख सकते हैं, 290 रुपये के आसपास सपोर्ट लेता है और ऊपरी स्तरों पर स्टॉक जो है रेजिस्टेंस फेस करता है, 320 रुपये के आसपास पहले भी रेजिस्टेंस इस लेवल पर फेस कर चुका है, लास्ट वीक भी किया था और इस वीक भी जो है आज की डेट में कर चुका है। सबसे पहला टारगेट इसका यही रखिए, जो कि करीब यहाँ से 14 रुपये ऊपर है CMP से, 320 से 322 की रेंज का, इसको ब्रेक करके सस्टेन करके निकाल देता है तब जाके अच्छी खासी तेज़ी और बनेगी। जो लोग बाय करना चाहते हैं, 306 का लेवल बुरा नहीं है, आराम से कर
सकते हैं, थोड़ा व्यू लंबा रखेंगे होल्डिंग के लिए तो अच्छी कंपनी है, अच्छे रिटर्न देगी। चलिए बात के लिए इस वीडियो में तीन फर्टिलाइजर स्टॉक के बारे में, जहाँ पे आज खबर थी और प्राइस एक्शन भी बना था। तीनों कंपनियाँ बढ़िया है और तीनों के डेली चार्ट की बात हमने कर ली। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।